हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जो आज की वीडियो है, आज हम वाक्यांश पर बनाएंगे। तो वाक्यांश के बारे में पहले भी मैं वीडियो में बहुत मैं बता चुका हूँ, पर ये वीडियो उनसे कुछ अलग रहेगी। थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे वाक्यांश के बारे में, और इसमें कुछ नई बातें भी ऐड करेंगे। वे जो नई बातें हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो डिक्टेशन स्पीड है, आप जो शॉर्ट हैंड लिखते हो उसमें कैसे बढ़ोतरी होती है। मिनिमम 10 या 15 की स्पीड आपकी आराम से बढ़ जाती है मिनिमम, ठीक है। तो आपको क्या फॉलो करना है और कैसे आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है, तो ये वीडियो उसी के बारे में रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके बहुत यूजफुल रहेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। कि वाक्यांश का, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को बिना पेंसिल उठाए एक साथ लिखे जाए तो उनको वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं अब उसी ने और इसीलिए, तो ये दो शब्द चिन्ह है, ठीक है, इनको एक साथ जोड़ा है। स्टार्टिंग हम छोटे से करेंगे, मैंने कहा था इसका थोड़ा रिवीजन भी करेंगे, और जब लास्ट तक जाएंगे तो आपको बहुत और अच्छी अच्छी लाइनें आपको मिलेगी। तो सेकंड इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि सेम जो शब्द चिन्ह है, सेम लाइन आ जाए तो वहाँ पर आप इनको कैसे अलग दिखाओगे, कैसे पढ़ोगे। तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, तो जैसे कि ये दो उदाहरण और है, इसके लिए इसके पहले, तो इन दोनों की जो सेम बनती है ना, तो यहाँ पर ऐसे समय पर आपको स्वर का यूज करना है, ठीक है। तो आप स्वर से शब्दों को अलग कर सकते हो, वाक्यांश को अलग कर सकते हो और इनको याद करने में आपको इजी रहेगा। और जहाँ पर आपको शब्द समझ में नहीं आए, जैसे कि स का प्रयोग इसमें से सा सी की व्यर्थ, एक ही व्यर्थ बनेगी तो उसका उसमें बनता है, जैसे का के की हो गया, तो उस समय आपको क्या करना हो, उस समय आपको शब्द को जो वाक्य है उसको पूरा रीड करना है और उसको समझना कि वो क्या कह रहा है। तो आप उसको अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। जैसे इसी ओर से छोटा सा काम है, फिर छोटी सी लड़की, तो इस टाइम आप ये देख सकते हो, जैसे से हो गया, सा हो गया, सी हो गया, तो अब आपने इनको ये हटा दो, तो इसको आप ये तो नहीं पढ़ सकते ना, इस और सी, इस और सा, तो इसमें क्या ठीक बन रहा है, इस ओर से। उसी प्रकार छोटा सी काम, लाइन अशुद्ध हो रही है ना, तो लाइन को शुद्ध करो, जो वाक्य आपको बोलने में भी ठीक लगे तो उस पे बात को पे ध्यान दो। छोटी सी लड़की, छोटा सा अगर लड़का होता तो, या सा हो जाता, सी है तो लड़की आएगा। फिर है जैसे कि हमने इनमें तो से सा सी को पढ़ा है और इसमें हमने अब दिखाया भी है, तो वाक्यांश में कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जो ना होते हुए भी हम उनके आउटलाइन नहीं बनाते, फिर भी वे शब्द होते हैं। जैसे जाने के लिए हमने जाने बनाया है और लिए बनाया है, हमने के को इसमें नहीं बनाया, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे जाने के लिए, है ना, जाने लिए। हम इसको अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये शुद्ध नहीं होगा, आप खुद एक बार बोल के देखो। फिर है कहने के लिए, कहने लिए नहीं बन रही ना बात, हम इसमें बना नहीं रहे के, पर फिर भी हम इसको पढ़ेंगे समाज के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चलकर आपकी जो डिक्टेशन की स्पीड है, शॉर्ट हैंड की स्पीड है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, अच्छे से बुक की प्रैक्टिस करो कम से कम 2-3 बार, ठीक है, जिससे कि आपका जो बेसिक है ना, जो नींव होती है, जैसे मकान बनाते हैं तो नींव क्यों भरते खोद कर,
एक बात है समझने की, नीम एक तो जमीन फ्लैट है, ऊपर से उसकी खुदाई करेंगे, फिर उसकी नीम भरेंगे और फिर उसके ऊपर मकान बनाएंगे। क्यों डायरेक्ट वहाँ की मकान क्यों नहीं बनाते, है ना, उसमें खर्चा करते हैं और एक्स्ट्रा उसकी ज़मीन खोदो, उसकी अच्छी सी नींव भरते हैं। तो ये नींव होती है जो बुक तो बेसिक होती है ना, तो उसको आप अच्छे से करो, फिर आप डिक्टेशन पे जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्पीड करोगे ज़्यादा कि मुझे डिक्टेशन करनी डायरेक्ट, तो आप कन्फ्यूज होते रहोगे, ठीक है। अब जैसे ये है एक, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है, तो इसमें हम ये बिना पेंसिल उठाए, यह सुनकर प्रसन्नता हुई है। फिर अगली लाइन है जैसे, यदि यह मान भी लिया जाए तो इसमें हमने पेंसिल नहीं उठाई है, ठीक है ना। ये ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे तो इसको कट करना पड़ेगा, इसको भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि में हमने मैं को कट कर देते तो नया बन जाता, और नया को कट कर देते तो मैं बन जाता है। ये मुझे जो ऋषि प्रणाली में है ना, ये बेस्ट चीज़ लगती है इसकी, ठीक है ना। हम अपने शब्दों को बदल सकते हैं। अब आप ये डिक्टेशन ही ले लो, चलो जैसे पिछले वर्ष, तो ये इनको दोनों को जोड़ रखा हो, वाक्यांश का प्रयोग कर रखा है ना, हमारे देश की, तो की का तो शब्द चिन्ह है, पर इसमें इन्होंने पूरा बना दिया हमारे देश की, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेगी, इन्हीं से स्पीड बढ़ती है ना, इस बात का ख्याल रखना, इन्हीं से स्पीड बढ़ती है। तो शब्दों को जोड़ोगे जितना आप जोड़ोगे, पर एक बात का ख्याल रखें कि पेंसिल ना उठे, और पेंसिल उठने वाले जो वाक्यांश होते हुए भी मैं आपको एक दे देता हूँ उदाहरण। जैसे ये उदाहरण लिया हमने, जिंदगी और मौत का सवाल है, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी अच्छी लाइफ के लिए, तो कर रहे हैं कि अच्छी जॉब मिले, तो इसलिए मैंने ये सोच समझ कर एक उदाहरण लिखा है। तो इसमें हम जैसे कि, ठीक है, ठीक है ये, और उदाहरण तो बहुत सारे हैं, आप कितने भी उदाहरण ले सकते हो। एक इसका ये लास्ट उदाहरण, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, तो इस पे आप थोड़ा और ध्यान देना। ये हमने बनाया ज, ठीक है, फिर इसमें स, ठीक है, ये पेन से रुक रहा, फिर हमने इसमें लग निकाल दी की, फिर ऊपर में से हमने पर, और कहा में हमने है बनाया, और जा ये हमने पूरा बनाया, और चुकिया है तो ये च, और ये क है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ पहले से, हम चुका के लिए हम क का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और कहोगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूँगा, जैसे बच्चे के किसी के डाउट ना रह जाए कि सर ने गलत बनाया। बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं ना, तो वे ज़्यादा गलतियाँ बताते हैं। तो जैसे ये है ना, चुका के लिए हम क का प्रयोग करेंगे, और ये बहुत से, जिस तरह आयो के लिए हम गय का प्रयोग करेंगे। इस पे मैं एक वीडियो और बना दूंगा रिपीट, वैसे मैं पहले बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो एक बार फिर से बनाता हूँ। उसमें रुक रहा था मैं, तो ये ज, ये सा की वृत्त, ये की निकाल दी हमने, ये ऊपर में से हमने पर ले लिया, ये कहा में से हमने है ले लिया, है की वृत्त, और ज हमने बना दिया, और चुका है के लिए हमने क बनाया, और ये आई होप आपको समझ में आया होगा वाक्यांश का मतलब।
इसलिए मैंने आपको बीच में डिक्टेशन भी दिखाई थी कि आप कैसे डिक्टेशन के जो शब्द होते हैं उनको जोड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बच जाओगे। एक तो हम इनको अलग अलग लिखें, है ना, जैसे यदि, यह, मान भी लिया जाए, है ना, एक हम इनको एक साथ लिखें तो टाइम किस में बचेगा। आप खुद ही एक आइडिया लगाओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।